वैलेंटाइन पे अगर कोई लड़का अगर लड़की को प्रपोज करे तो लड़की ने क्या जवाब देना चाहिए? जिस दिन वो प्रपोज करने के लिए आएगा लड़का, तो उस दिन लड़की ने हाँ बोलना है। हाँ? लेकिन तो मेरा जो म्यूजिक वीडियो है काश तो मेरी हो जाए, वो रिलीज हो गया है वोला डीजे के चैनल पे। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो यार म्यूजिक वीडियो। आ गए, आ जाओ, बैठो बैठो, आपको कुछ दिखाना है। आ गया गाना? हाँ गाना आ गया, आपको दिखाना है बस अभी। तो लगाना? हाँ हाँ लगा। अच्छा ये लास्ट वाला पार्ट है। हाँ लास्ट वाला कि अभी कॉफी शॉप पे मिलेंगे। तू ने अच्छी पढ़ाई करना। जी पापा। तो ऐसे बहुत सब ऐसे करते गए ऐसे सच में, मतलब कि मतलब ऐसे स्कूल में घर से स्कूल में से निकलते और ऐसे जाते गए घूमने फिरने। तो स्कूल को कॉलेज को बंक मार मार के ऐसे सब अपने फ्रेंड लोगों से मिलने जाते हैं। यस पापा ऐसे ही होता है। अभी मैं यार ऐसे कोई कॉलेज छोड़ने जाऊंगा तो मैं अंदर तक आऊंगा पूरा छोड़ने के लिए। मैं नहीं जाती हूं पर ऐसे। आप सब लोगों को ये म्यूजिक वीडियो कैसे लगा है प्लीज मुझे बताना, और मैं इस म्यूजिक वीडियो में कैसी लगी हूं वो बताना। सपना देख रहा था ये सब सपना ही है ये सब। हाँ हाँ ये सब सपना ही है, मतलब सेकंड डे भी स्कूल को कॉलेज को बंक मारने का। हाँ। जब अपने सामने शूट होता ना तो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ वो कट कट सीक्वेंस शूट होता है ना इसलिए समझ में नहीं आता। अभी पापा का सीन आने वाला है। तो मेरा सीन वो है कि जो मैंने इसको पकड़ लिया था, जो मैं इसको बोलता ऐसे कि यार पागल है क्या, ऐसे ऐसे मैंने एक डायलॉग था मेरा। अरे वो सीन ही वैसा था तो मैं क्या करूं। ऐसा मैं उधर मुंह करके खड़े रहो और आके कोई तरह से चीट आके ऐसे दे जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं गर्दन से पकड़ के उठा लूंगा। यहाँ पे तो मेरा सीन कट कर दिया। तो यहाँ पे ना पापा का सीन था और बोल रहे थे कि मतलब डायलॉग था पापा का, ये पागल है क्या, मतलब इतना जोर से धक्का मार रहा ना। पापा का सीन ही कट कर दिया। हाँ वो सीन लेना चाहिए था, मैं तो बोला था कि और सीन लो ताकि मैं ना हीरो को मैं पकड़ लूं वहां पे और क्लाइमैक्स कर दूं। क्लाइमैक्स नेक्स्ट इसमें लेंगे आपको। क्या लगता है इसका पार्ट 3 बनना चाहिए कि नहीं बताओ जल्दी से कमेंट्स में। और पार्ट 3 में विलन एंड हीरो होंगे, मतलब आमना सामना होगा विलन एंड हीरो का, बल्लाल देव और बाहुबली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? मैं भी एकदम ठीक हूँ और आज मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि आज मेरी है ना एग्ज़ाम भी है और उसके बाद में ओरल भी है, असाइनमेंट सबमिशन भी है, बहुत सारे काम है आज कॉलेज में। तो आप मुझे कॉलेज कौन छोड़ेगा? ऑफ कोर्स यार पापा छोड़ेंगे, चलो पापा को उठा देते हैं। मतलब उठ ही गए पापा, लेकिन फिर भी एक बार नींद से जगाते हैं पापा को। हाँ उठ गए पापा, चलो एग्जाम भी है और असाइनमेंट सबमिशन भी है, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, उठ जाओ पापा। देखो आज नहीं मिया बहुत मस्ती करे, कहाँ जा रही है उधर? ले मैं बंद करती हूँ, जा अंदर। हाँ सो फाइनली पापा भी रेडी हो गए, अभी मैं निकल रही हूँ कॉलेज जाने के लिए। इतना टाइम लगा दिया ना यार पापा ने, कोई बात नहीं। बट हाय चिकू, गुड मॉर्निंग। टाइगर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चल जा जल्दी, लेट हो गई तू कॉलेज जाने के लिए, निकल। क्या रुक, पापा को दिखाती तू मेरे को मारता ना। तू अगर कॉलेज जा रही तो ये मोबाइल घर पे छोड़ के जा, मैं मोटा हाथी देखूंगा। कितना टाइम लगा दिया वैसे पापा आपने। अरे तूने लेट उठाया ना मेरे को। हाँ मैंने बराबर टाइम पे उठाया था गाइस पापा को। क्या यार आज थोड़ा सा है ना लेट हो गया, पता नहीं मेरे को डांट पड़ेगी क्या अभी। डांट पड़ने जाने का सीधे पेपर लेने का और लिखना चालू कर देने का, पेपर काला कर देने का।
कर दूंगी पेपर काला, लेकिन वो मैम ने डांटना नहीं चाहिए मेरे को, कितना लेट हो गया, 15 मिनट लेट है हम। टीचर्स का डांटना कोई डांटना नहीं रहता, खा लेनी चाहिए उनकी डांट। बात तो सही है। पापा आज है ना मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी सुनाने वाली हूँ मेरे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स को और मेरे ऑडियंस को भी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की? हाँ, आपको वो स्टोरी पता है तो बाद में आके है ना मैं उसका सलूशन आपसे पूछूंगी, ठीक है? अच्छा, जो मैंने लिखी वाली स्टोरी है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की? हाँ, पापा ने लिखी है ये स्टोरी, स्टोरी बाय दी पापा। नहीं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी नहीं है, फिर वो स्टोरी है द रिडिकुलस गाय। ये स्टोरी का टाइटल है द रिडिकुलस गाय। रिडिकुलस गाय, आप सब लोग वेट करो, मैं आपको भी वो स्टोरी सुनाऊंगी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और वो सीखने लायक है। इस वैलेंटाइन द रिडिकुलस गाय ये स्टोरी सबको पता होनी चाहिए। यस, चलो मैंने मास्क कैप सब पहन लिया है, आप सबको तो पता ही है क्यों पहना है, फॉर सिक्योरिटी रीजन। चलो बाय पापा। यस, पेपर काला करके आएंगे। इसके लगा क्या? ओह माय गॉड गाइस, ये देखो ये रहा मेरा कॉलेज। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, हम अंदर चल रहे। चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चल, एक्साइटेड है पेपर के लिए? बहुत। हाँ, कल पे दिख रहा है इसके एक्साइटमेंट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, जल्दी से भाग के जाते हैं और मैं आपसे ना थोड़ी देर के बाद मिलते हूँ, ठीक है? तो गाइस मेरी एग्जाम हो गई और मैं आप सबको बता दूँ मेरी एग्जाम एकदम अच्छी गई। अभी है ना मेरे बोर्ड के एग्जाम भी ऐसे ही अच्छे अच्छे जाएंगे। देखो ये है मेरी क्लास और ये यहाँ पे बैठी है, ये रही हमारी क्लास, यहाँ पे बोर्ड है और इधर की साइड क्या है? डोर। डोर है। कैसी लगी आप लोग बताना, ठीक है? तो हाँ, मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाने वाली थी ना, तो मैं देखो भी एक स्टोरी सुनाती हूँ, सुन आराम से सुन, बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है? अभी मैं ना स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती हूँ, एकदम सीरियसली सुनना सब लोग। एक है ना गर्ल ए रहती है और एक है ना गर्ल बी रहती है, ठीक है? तो गर्ल ए है ना बहुत मासूम, भोली भाली, नादान एकदम, जिसको कुछ लेना देना नहीं है किसी से, ठीक है? और गर्ल बी मतलब उसकी फ्रेंड बन जाती है। तो गर्ल बी जो होती है वो एकदम मस्त, उसका बहुत बड़ा ग्रुप होता है कॉलेज में, सब लोग आते हैं बातें बातें करते हैं। तो फिर गर्ल ए की दोस्ती गर्ल बी से हो जाती है। तो गर्ल बी जो होती है, काव्या अभी ना हमको एडिट करते हुए वीडियो दिखा रही थी, तो बीच में बात कर रहे ना काव्या, कंटिन्यूस बात कर रही। हमने ना इसमें नोटिस किया कि उसको कंटिन्यू बात भी नहीं करना आ रही, सांस उसकी फूल रही और मतलब ने क्या। तो फिर गर्ल ए की दोस्ती गर्ल बी से हो जाती है। तो गर्ल बी जो होती है उसको बात नहीं करना रही और ये सीरियस इशू है, मतलब इससे पहले भी उसको ऐसा हुआ है मेडिकल इशू, तो हमने डॉक्टर डॉक्टर को भी दिखाया, हॉस्पिटल में भी दिखाया था, मतलब ऐसा कोई डायग्नोज हुआ नहीं, लेकिन अभी ना मतलब वो बढ़ता जा रहा है, उसको ज़्यादा ऐसा रनिंग भी करना नहीं आ रही और सांस लेने में मतलब ऐसा दिक्कत हो जाती है, अगर ज़्यादा देर ऐसा कंटिन्यू अगर बात करने लगे तो उसकी सांस लेने से फूलने लग जाती। पता नहीं, डायग्नोज तो कुछ हुआ नहीं, बट देखेंगे। अभी डॉक्टर ने कहा है कि और थोड़ा सा मतलब उसकी एज बढ़ जाने दो, जब वो 20-21 साल की हो जाएगी अगर कुछ निकल के आता है डायग्नोस में, तो ये भी अभी एक सीरियस इशू है। अभी हमने अभी जस्ट नोटिस किया, अभी आप वीडियो देखोगे ना आगे कंटिन्यू, तो उसके अंदर देखना वो जब बात कर रही है ना तो सांस मतलब ये फूल रही, उसे सांस ही फूल रही है। अभी क्या बोलना है, क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों होता है तेरे को? पता नहीं, मतलब ऐसे हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, ऐसे सांस ऐसे लेनी पड़ती है, मुंह से सांस लेनी पड़ती है, मतलब जब तू बात करती है तब ऐसे होता है। हाँ, बात करती हूँ, कंटिन्यूस बात करती तब होता है, कंटिन्यू बात किए तब भी होता है ऐसे, जब वो साइकिलिंग करती तब भी होता है उसको ऐसे, जब वो रनिंग तो ज्यादा देर कर ही नहीं सकती तब भी उसको मतलब ऐसे सांस की वो प्रॉब्लम। तो गर्ल ए जो होती है उनको है ना लड़कों से कोई लेना देना नहीं होता है, जो लड़कों से कभी बात भी नहीं करती, हाई भी नहीं करती। तो गर्ल बी की वजह से है ना ग्रुप में एक लड़का आता है और गर्ल ए को भी हाई बोलता है कि हाई। तो अभी गर्ल ए क्या करेगी, गर्ल ए को तो उसका रिप्लाई देना पड़ेगा कि हाय। और गर्ल ए जो होती है वो बहुत डिसिप्लिन वाली की लड़कों से बात नहीं करना ये वो, तो गर्ल बी की वजह से उसको लड़के से बात करनी पड़ती है। तो यहाँ तक तो किस्सा नहीं रहता है, वो लड़का सिर्फ हाय बोल के तो नहीं जाएगा, लेकिन सुन मेरी बात, वो जो लड़का होता है उसकी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों के बीच में आके हाय बोलने की, तो इसकी गलती किसकी है इसमें बता? लड़के की। लड़के की नहीं, गर्ल बी की। गर्ल बी ने उसको अलाउड किया ना कि हाँ तू आके आ जा हमारे ग्रुप में बैठ, यहाँ पे बातें कर। किसी एक गर्ल बी की वजह से लड़के ग्रुप में आते हैं और यही बनता है लड़कों और लड़कियों का फ्रेंड सर्कल। और अगर किसी लड़की को मींस गर्ल ए को ये सब नहीं पसंद
लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती। तो लड़का जो है उसके और दो तीन लड़के लेके आता है दोस्त। वो सारे लड़के आते हैं, फिर वो चूज करते कि ये लड़की से मैं दोस्ती करूंगा, ये लड़की से, ये लड़की से। तो ऐसे उनका है ना ग्रुप वाला व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। तो वहाँ पर है ना डायरेक्टली नंबर शेयर हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती नंबर मांगने के लिए लड़कियों से। तो ऐसे उनका ग्रुप बनता है, फिर वहाँ से उनका फर्स्ट मैसेज लड़कियों को आता है, जेवन केलस का आपका खाना हो गया क्या, ऐसे उनका फर्स्ट मैसेज आता है। तो लड़की क्या करेगी, लड़की को तो ना चाहते हुए भी रिप्लाई देना पड़ेगा। जैसे गर्ल ए है अभी, उसको ना चाहते हुए भी रिप्लाई देना पड़ेगा कि हाँ हो गया भाई मेरा खाना, तू भी खाना खा ले। इसके बाद आगे आता है वैलेंटाइन वीक। मतलब लड़का तो सिर्फ दोस्त नहीं बनेगा, लड़का और आगे कुछ बनना चाहेगा। तो फिर वैलेंटाइन वीक आने के बाद में लड़की को तो कुछ नहीं कि हाँ चलो दोस्त है, यहाँ तक मान लेती है लड़की। लेकिन वैलेंटाइन वीक आने के बाद में आ जाते हैं सारे, क्या कौन सा डे होता है, टेडी डे, चॉकलेट डे, हग डे, सब ये करेंगे। फिर आएगा प्रपोज डे, फिर आएगा लड़का प्रपोज करेगा। अभी इसमें लड़की क्या करेगी, अब लड़की क्या जवाब देगी, ना कहेगी तो फ्रेंड्स ग्रुप में फिर नहीं जा पाएगी, और हाँ उसे कहना नहीं है। अब ना चाहते हुए भी ये सब लोग उसकी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। क्या जवाब देना चाहिए एक लड़की को, तो इसका सलूशन क्या है। ये जो स्टोरी है ये मेरे पापा ने बनाई है, मेरे पापा ने मुझे बताई है, पापा ने नरेट किया है, तो सलूशन तो हम पापा से ही पूछेंगे। लेकिन एक तो बात बता, इसमें गलती किसकी है, जो लड़की नहीं थी क्या, गर्ल था उसकी गलती है। क्योंकि उसने अलाउ किया इसकी, उसकी वजह से ना वो ए वाली को भी परेशानी हुई। हाँ वो लड़के ने उसके मैसेज वगैरह किया, तो वो गलती ना वो लड़की की है क्योंकि वो अलाउ करती है। वाह मतलब ये समझ गई मैंने, इसको इतना समझाया। देख गर्ल ए जो होती है वो बहुत भोली भाली मासूम होती है, उसकी लाइफ में इतना सारा ड्रामा हुआ किसकी वजह से, वो उसकी जो फ्रेंड होती है उसकी वजह से। तो इस वैलेंटाइन वीक है ना लड़के तो दोस्त बनाओ ही मत, लेकिन लड़कियां भी ऐसी दोस्त मत बनाओ जिसके लड़के दोस्त हो। समझ गए लड़कियों, समझ गई तू, चलो अभी हम नीचे चलते हैं ना। हाय अंकल, कैसे हो, सब बढ़िया। हेलो हेलो, ये तो बिजी अंकल कॉलेज के एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो देखो चिकू भी आ गया, चिकू आया है मेरे को लेने के लिए। मेरे को भी सुनने का है कि वो गर्ल ए ने उस लड़के को क्या जवाब दिया, पापा बताएंगे पापा। हो गया पेपर? यस पापा हो गया पेपर। हाय जी बेबी, जी अभी पापा बताने वाले कि लड़की ने क्या जवाब देना चाहिए। पापा हाँ, अपनी जो स्टोरी है आपकी, जो आपने मुझे बताई है कॉलेज की, द रिडिकुलस गाय, उसका एंड मतलब क्या होना चाहिए, लड़की ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये एक फिक्शियस स्टोरी है जो मतलब मैंने ना ऐसे एक लिखी है, मुझे ना ऐसा थोड़ा लिखना अच्छा लगता। एक फिक्शियस स्टोरी है, ऐसा रियल स्टोरी है नहीं है, ठीक है। तो हाँ उसके हाथ में दे देंगे। हाँ ए ए चुप है, चुप बताओ। हाँ तो इसमें ये है कि अभी लड़का तो भाई प्रपोज करने वाला है अभी, हाँ अब लड़की या तो उसकी फ्रेंडशिप चली जाएगी, अगर लड़का अच्छा हो तो समझो फ्रेंडशिप भी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। और लड़की को ये कोई ऐसा रिलेशनशिप वो नहीं चाहिए, हाँ, वो, गर्ल वो, नहीं, हाँ उसको वो अपने लाइफ में खुश थी, लेकिन है ना जबरदस्ती से ना ये लड़का इन्वॉल्व हो गया। तो सिर्फ एक ही चीज करनी है, जिस दिन वो प्रपोज करने के लिए आएगा लड़का, तो उस दिन लड़की ने हाँ बोलना है। लेकिन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, फिर लड़की ने बोलना कि मेरे पास भी एक प्रपोजल है। अच्छा। सभी सुनना, सभी गर्ल्स सुनो ध्यान से। लड़की ने उस लड़के को बोलना चाहिए कि मेरे पास भी एक प्रपोजल है। फिर लड़का बोलेगा कि क्या प्रपोजल है। फिर लड़की बोलेगी, लड़की ने ये बोलना चाहिए कि मेरा भी एक भाई है और तेरी भी एक बहन है, ठीक है। तो वो दोनों भी अगर एक दूसरे को प्रपोज कर ले तो कैसा रहेगा, मतलब पारिवारिक माहौल बनेगा, है ना, साथ में ही घूमने जाया करेंगे, तेरी बहन, मेरा भाई, मैं, तू, है ना। तब लड़का पता है क्या कहेगा, और वही होगा सब खत्म, स्टोरी कट दी एंड। लड़का ये कहेगा कि मेरी बहन तेरे जैसे नहीं है, मेरी बहन तेरे जैसे इससे उससे बातें नहीं करती, मेरी बहन कॉलेज में ऐसे घूमती नहीं। और ये सुन के लड़की को क्या लगेगा, जो गर्ल ए है, गर्ल अच्छी, उसको क्या लगेगा
जिसका कभी किसी से कोई लेना देना नहीं था, वो किसी से लड़के से बात नहीं करती थी, जबरदस्ती ये उसके लाइफ में इन्वॉल्व हुआ, किसके, गर्ल बी के वजह से। गलती गर्ल बी की है, गलती गर्ल बी की है। ये सुनना है कि मेरी बहन तेरे जैसे नहीं है, तेरे जैसे घूमती नहीं, तेरे जैसे लड़कों से बात नहीं करती, तेरे जैसे ना फ्रेंड सर्कल में से बैठती नहीं, तेरे जैसे कैंटीन में नहीं जाती, तेरे जैसे पिक्चर देखने नहीं जाती, ये सुनना है। हाँ बोल के तो देखा एक बार कि तेरी बहन है और मेरे भाई का, उनका भी दोनों का ये करवा दे, नहीं मानेगा वो, उल्टा गाली तुमको देगा। द आर वर्ड कड़वी है मेरी बातें, लेकिन थोड़ा सोचना इस बात पे। अगर आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो आपको ऐसे लड़कियां भी फ्रेंड्स नहीं चाहिए जिनके ना फ्रेंड्स लड़के हो, नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनके वजह से तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में आएंगे और तुमसे हाय हेलो करने लगेंगे, खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, जो जिन्होंने अपनी माँ की केयर नहीं की, कभी माँ को पूछा नहीं कि मम्मी खाना खाया क्या, पापा खाना खाया क्या, दादी खाना खाया क्या, लेकिन वो तुमको दिन में 3 times फोन करके पूछेगा कि जानू तूने खाना खाया। रिडिकुलस गाय, रिडिकुलस गाय, नहीं चाहिए ये सब लोग, नहीं चाहिए। तो लड़की की क्या गलती है इसमें, गर्ल ए की क्या गलती है, वो तो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही थी, ये जबरदस्ती सब लोग इन्वॉल्व हुए ना उसके लाइफ में। सो दिस वैलेंटाइन नहीं चाहिए, वो लड़कियां फ्रेंड भी नहीं चाहिए जिनके लड़के फ्रेंड हो, क्योंकि आपकी एज छोटी है, 10th 11th 12th, इसमें ये सब नहीं चाहिए। आप हो जाओ 18 19 20 साल के हो जाओ, और फिर उसके बाद में रिलेशन ऐसा बनाओ कि माँ बाप से छुपाना ना पड़े, ठीक है। माँ बाप को बोलो कि हाँ मुझे ये लड़का पसंद है, कब, 20 21 के एज में, तब तक नहीं। हे 17, 18, 19, 20 एज की गर्ल्स, हमें इस वैलेंटाइन वो लड़कियां भी फ्रेंड्स नहीं बनानी है जिनके लड़के फ्रेंड्स हो, और वो लड़के भी नहीं चाहिए। आपका क्या सोचना है इस स्टोरी पे कमेंट में जरूर बताना, और अगर मम्मी पापा इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने टीनेज वाली गर्ल्स को जरूर दिखाना। तो लड़कों, अगर आप किसी की बहन को प्रपोज करने जा रहे हो तो अपनी खुद के बहन को भी प्रपोजल एक्सेप्ट करने की परमिशन जरूर देना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना।